रंग के आधार पर भेदभाव को लेकर स्टार भारत के नए शो कार्तिक पूर्णिमा में कार्तिक पर जल चढ़ेगा पूर्णिमा के प्यार का रंग। दिल को छू लेने वाली खूबसूरत कहानी लेकर स्टार कास्ट चंडीगढ़ पहुंची। नमस्ते, मैं पौलमी दास। मैं बहुत जल्द हम सब आने वाले हैं स्टार भारत पे कार्तिक पूर्णिमा के शो में, और मैं आप सबकी पूर्णिमा। मैं कविता घई हूँ और मैं सोनी मेहरा का किरदार निभा रही हूँ। मैं हर्ष की मॉम। सत श्री अकाल जी, मैं हूँ हर्ष नागर और कार्तिक पूर्णिमा में मैं कार्तिक का किरदार निभा रहा हूँ। ये शो बेस्ड बोले तो एक लव स्टोरी है जिसमें एक लड़का है जो बहुत ही सिंपल है, काइंड हार्टेड है, जिसको एक लड़की से प्यार होता है जिसका नाम है पूर्णिमा, और वो भी वैसी ही है जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से खुशी मिलती है कि वो होता है दूसरों की मदद करके। उसी चीज़ की वजह से शायद कार्तिक पूर्णिमा से प्यार करने लग जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कार्तिक की जो माँ है सोनी मेहरा, उनको वो लड़की पसंद नहीं आती, इसीलिए क्योंकि वो लड़की होती है सामने, उनको काले रंग से नफरत है। ये शो आई थिंक मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि एक ऐसा शो करना जिससे सिर्फ मतलब मेरे लिए सिर्फ एक शो नहीं है, इस शो के जरिए मैं बहुत लोगों को ये बताना चाहूँगी कि भारत से जो खूबसूरत दिखते हैं वो ज़्यादा मायने नहीं रखते, अंदर की खूबसूरती सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो शायद इसी वजह से ये शो मेरे दिल की बहुत करीब है। आप देखना, बहुत 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 सारा प्यार देना, और आई एम श्योर आप लोगों को पसंद भी आएगा। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारे सीन्स ऐसे आए हैं जो पढ़ने के बाद मैं जब पढ़ रही थी मुझे खुद से मुझे रोना आ रहा था, और मैं ऐसे रोती होती नहीं हूँ, वैसे फॉल भी रोती होती नहीं है, पर मुझे आया था जब मैं वो स्क्रीन प्लेस पढ़ रही थी, ट्रायलर स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। तो आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिलेगा, जितनी आपकी सोच जा सकती है कि एक औरत बुरा कर सकती है एक दूसरी लड़की के साथ, क्योंकि वो सांवली है, और उस वो सोच जितनी भी दूर तक जा सकती है मैं वो निभाती हूँ। कितनी नफरत करने वाली है दुनिया में से, बट यस, औरतों को हम चाहे 2020 में भी रह रहे हैं बट सोच हमारी फिर भी बहुत पीछे जाती है, एंड ये यही मैसेज देता है सीरियल, दैट अपनी सोच हमें बदलनी है, एंड लोगों को सिर्फ कलर्स मतलब सिर्फ एक रंग से नहीं नापा जाए, तोला जाए, उसका दिल, उसका सोल, उसकी रूह को पहचाने, एंड आई जस्ट होप आप लोगों को पसंद आएगा, बिकॉज हमें एक्टिंग करते वक्त इतना अच्छा लगता है, तो आप लोगों को यू नो एडिटिंग के बाद, म्यूजिक के बाद, देखने के टाइम पे कितना अच्छा लगेगा, आई कैन जस्ट इमेजिन। तो मेरा किरदार कार्तिक है, जैसा कि पूर्णिमा ने कहा, बहुत ही सॉफ्ट, सेंसिटिव, रूहानी, फिलोसॉफिकल, और यही मुझे लगता है शो में खासियत है कि एक्चुअली कहानियां बनाई गई थी कि हम कोई वैल्यूज़, अच्छी बातें आगे जनरेशन को दें, और तो इस शो में काफ़ी अच्छाई है, पूर्णिमा के कैरेक्टर में काफ़ी अच्छाई है, मेरे कैरेक्टर में काफ़ी अच्छाई है, तो मेरे लिए यही कारण है कि आप इस शो को देखें। इसको जो लड़की पसंद है वो सादे रंग की है, और माँ को सादे रंग के लोग पसंद नहीं है, तो अब वही कहानी है कि ना तो माँ को छोड़ सकता है ना जो लड़की पसंद है उसको छोड़ सकता है, बट उसकी जो सोच है कि रंग मैटर नहीं करता। अभी भी हम अगर यू नो न्यूज़पेपर में देखें जो मैट्रिमोनियल्स आते हैं तो उसमें पहले ही वर्ड लिखा होता है फेयर, और सब सेम होता है, फाइव फाइव वर्किंग ये लुकिंग फॉर अ फेयर। तो वही जैसा मेरी मॉम ने कहा कि वही सोच हम बदलना चाहते हैं, और बाहर तो बाहर की कंट्रीज में तो फर्क नहीं पड़ता, मतलब अफ्रीकन भी अमेरिकन से शादी करते हैं, बहुत उस पर कोई नज़र नहीं उठाई जाती, तो वही सोच है इस सीरियल की। जी कैरेक्टर है जो ये कह रहा है कि यार मुझे हमेशा लाइफ में कम समझा जाता है क्योंकि मेरा रंग सांवला है, अब अगर वो कोई एक्टर करता जो गोरा होता तो वो दिल से नहीं आती बात, मतलब अच्छी बात ये है कि ये हमारे साथ है कि हम जेन्युइनली वी हैव एन एक्टर ऑथेंटिक, हाँ हम मतलब बनावटी नहीं कर रहे हैं। एक बात तो मैं सच में कहना चाहूंगी कि मुझे ना बहुत लोगों ने कहा था कि स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट बिकॉज ऑफ माई कलर आई रियली डिड नॉट हैव टू,
Seriously, I did not. I didn't struggle at all. Everybody, they took me for their project. सबने प्रोजेक्ट में मुझे इसलिए लिया था कि उनको डस्की लड़की चाहिए एंड इसी वजह से शायद मुझे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा. अगर आपको कोई बोले अरे आप तो बहुत फेयर है, गोरे हो, आपको बुरा लगता है? मुझे क्यों लगेगा अगर कोई बोला अरे आप तो बहुत सांवले हो? मुझे बुरा नहीं लगता इस बारे में, क्योंकि मैंने हमेशा ये बात एक्सेप्ट की है कि ये मेरा रंग है, चाहे वो गोरा हो, काला हो, कुछ भी हो, ये मेरा है, मेरी ये मेरी पहचान है, मुझे इसी के साथ जीना है. तो मुझे सबसे पहले इससे प्यार करना होगा. तो मैं अपने कलर से बहुत प्यार करती हूँ एंड आई थिंक ये सबको वैसा ही प्यार करना चाहिए, अपने अपने पास जो भी हो, अपनी हाइट. मतलब अभी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते लोगों के बीच में, किसी की हाइट बहुत लंबी है तो उन्हें उतनी मतलब उनको उतना लंबा नहीं होना, कोई शॉर्ट हाइट है तो उनको वो भी नहीं पसंद है, कोई बहुत पतले है तो उनको वो पसंद नहीं है. एक्चुअली लोगों को पसंद ही नहीं है जो उनमें है, पर यही चीज गलत है. यू हैव टू आपको अपने आप से प्यार करना होगा. अगर आप आपसे प्यार करोगे तो सब आपसे प्यार करेंगे, है ना? आई लव ब्लैक कलर. अच्छा ठीक है. आई लव ब्लैक कलर. आई लव दिस ब्यूटीफुल गर्ल, ब्लैक गर्ल ऑफ माइन. फरवरी को 8:30 बजे ऑन स्टार भारत. प्लीज आप सब देखें मंडे टू सैटरडे.